एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछने जा रहा हूं। इस संसार में सबसे अधिक सुखी कौन है? अब कोई कहेगा वो व्यक्ति जो सबसे अधिक धनी है, जिसके पास सबसे अधिक धन है, आभूषण है, स्वर्ण है। कोई कहेगा किसी राज्य का राजा, क्योंकि वो शासन कर पाता है, उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं होता, आदि इत्यादि। इसका उत्तर यदि मैं दूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो संतुष्ट है, उसके पास संतुष्टि रूपी धन है जो उसको सुखी रखता है। अब ये संतुष्टि ये कैसे आती है जीवन में? ये आती है धैर्य के कारण। धैर्य ये भाव अत्यंत शक्तिशाली है। ये धैर्य ही है जो हमारी धरती को धरती माता बनाता है, क्योंकि ये धरती माता धारण करती है, सहती है, धैर्य रखती है और अपना कर्म करती जाती है। ये धैर्य ही था माता सीता में जो रावण का अंत हुआ। ये धैर्य ही था जो नारायण ने कच्छप अवतार धारण किया, एक बड़े से पर्वत को अपने ऊपर धारण किया और समुद्र मंथन संभव करवाया। इसलिए सर्वप्रथम धैर्य को अपने मन में लाइए। यही धैर्य आपको संतुष्टि की ओर ले जाएगा और यही संतुष्टि आपको लोभ मोह लालच से दूर ले जाएगी सुख की ओर। और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। मनुष्य सदैव बड़ा मनुष्य बनना चाहता है, सदैव इसी की कल्पना करता है, किंतु प्रश्न ये है कि मनुष्य बड़ा कब बनता है? जब वो धनी बन जाए, जब उसके पास अधिक मान हो, वो अधिक रूपवान हो या अधिक शक्तिशाली। मनुष्य बड़ा मनुष्य तब बनता है जब संकट के समय वो किसी के साथ खड़ा रहे। तो सर्वप्रथम ये सीखें। कदाचित इसीलिए हनुमान राम के लिए इतने बड़े, कदाचित इसीलिए बलराम दाऊ मेरे लिए इतने बड़े। यदि आप भी जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं तो किसी के साथ उसके दुख के समय में, उसके संकट के समय में उसका साथ निभाइए, उसके साथ खड़े रहिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी? घर, वाहन, स्वर्ण, धन। यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोई वस्तु है ही नहीं। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है भाव, करुणा, मित्रता, मातृत्व, वात्सल्य और सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रेम। अपने इस जीवन में यदि आप इस समस्त जीवन को वस्तुओं का खेल बना के रख देंगे तो जीवन में आनंद नहीं रहेगा। अपने इस जीवन को भावनाओं का घर बनाएं। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। मनुष्य की एक अत्यंत विचित्र प्रवृत्ति होती है, दूसरों के विषय में, उनके जीवन के विषय में, व्यक्तित्व के विषय में, भविष्य के विषय में अनुमान लगाना। ये अनुचित है। किसी के भूतकाल को लोग देख के भविष्य बता देते हैं, वर्तमान को देख के उसका भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं। उदाहरण दूं तो किसी दास को देखिए, उसे देख के लोग कहते हैं कि इसके भविष्य में ये हो सकता है, अनुमान लगाते हैं। अरे इस राजा को देखिए, ये तो कितना सुखी होगा, ये तो संसार का सबसे अधिक सुखी व्यक्ति होगा, इतनी सुख सुविधाएं हैं इसके पास, अनुमान लगाते हैं। सत्य तो ये है कि आप किसी के व्यक्तित्व के विषय में या भविष्य के विषय में पूर्ण सत्य कभी ज्ञात कर ही नहीं सकते, बस अनुमान लगा सकते हैं। और अनुमान लगा के कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि ये काल जो है ये अत्यंत शक्तिशाली है। काले से काले कोयले को ये हीरा बना सकता है, बड़े से बड़े राजा को रंक बना सकता है एक क्षण में। फिर आपके अनुमान का क्या लाभ, क्या मिला अनुमान लगा के? इसलिए कभी किसी के विषय में कोई अनुमान नहीं लगाएं, उसके भविष्य के विषय में कोई अनुमान नहीं लगाएं।
कोई धारणा किसी के विषय में ना बने, कुछ करें तो प्रेम। सब में प्रेम बांटिए, सब में सकारात्मकता बांटिए, ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। कहते हैं संसार में हर रोग का उपाय है। यदि आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं तो व्यायाम कीजिए, यदि आप श्वास से प्रेम करते हैं तो प्राणायाम कीजिए, यदि आप अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं तो ध्यान कीजिए, किंतु यदि आप अपने जीवन से परमात्मा से प्रेम करते हैं तो सबसे प्रेम करते रहिए। ये प्रेम अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इस प्रेम से अच्छी ना कोई औषधि है ना कोई आसन, इससे अच्छा ना कोई व्यायाम है ना कोई प्राणायाम। ये प्रेम बड़े से बड़े समस्या का हल निकाल सकता है, प्रेम बड़े से बड़े संकट को आपसे दूर कर सकता है, ये प्रेम आपको जीवन जीना सिखाता है, क्योंकि ये प्रेम ही जीवन का वास्तविक सार। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य छोटा हो या बड़ा, राजा हो या रंग, हर एक मनुष्य में एक समानता देखने मिलती है। हर एक मनुष्य को अपनी प्रशंसा अत्यंत भाती, बड़े प्रसन्न होते हैं मनुष्य जब उनकी प्रशंसा होती। और आप किसी से जाके कहें कि आपकी ये भूल थी, आप में ये कमियां थी, वो सुनने के लिए सज्ज ही नहीं होगा। हर एक मनुष्य सुनना चाहता है कि आपने जो भी किया सर्वोत्तम था। अब आपको एक बात बताता हूं, ये है निंदा, ये है प्रशंसा और ये है सत्य, इन सब से ऊपर तभी मनुष्य दर्पण देखता है। दर्पण मनुष्य को सुंदर नहीं दिखाता, उसे सत्य दिखाता है, जिससे मनुष्य और सुंदर बनने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए दर्पण की आवश्यकता होती है सत्य जानने के लिए। जीवन में निंदक प्रशंसक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको आपकी कमियां दिखाता है, आपकी भूल दिखाता है, एक अवसर देता है आपको स्वयं को सुधारने के लिए और श्रेष्ठ बनाने के लिए, कि प्रशंसक नहीं कर पाता। तो जीवन में जब भी निंदा होती तो उसका आकलन कीजिए, सकारात्मक रूप से उसे देखिए। यदि स्वयं को कुछ शिक्षा दे सकते हैं तो निश्चित रूप से दीजिए। मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। कभी किसी पपीहे को देखें, कहा जाता है कि वर्ष भर में केवल एक बार अपनी प्यास बुझाता है, वो भी आकाश में मंडा रहे मेघों द्वारा बरसाई गई वर्षा की बूंदों से, और कहीं से वो अपनी प्यास नहीं बुझाता। पूरे वर्ष भरी गर्मी सहता है, भरी सर्दी सहता है, बस एक आस कि वर्ष में एक बार वो मेघ आएंगे, वर्षा करेंगे और मेरी प्यास को बुझा देंगे। क्या है? विश्वास है। विश्वास ही है कि वर्ष में एक बार वो मेघ आएंगे जो प्यास बुझाएंगे। अब देखिए, सूर्यमुखी का पुष्प रात भर अंधकार से लड़ता है, उसे विश्वास है प्रातःकाल में सूर्य उसे अवश्य दर्शन देंगे। ये विश्वास ही था जो एक छोटी सी नौका लेके मनु निकला और समस्त सृष्टि को प्रलय से बचा लिया। ये विश्वास ही था प्रेम पर जो वानरों और भालुओं की सेना लेके श्री राम ने आक्रमण किया, समस्त वरदानधारी असुरों की राक्षसों की लंका पर, और विजय भी प्राप्त। ये विश्वास ही विश्व की आस। विश्वास कीजिए कि आप सर्वश्रेष्ठ है और कर्म करते जाइए बस। इस विश्वास की आस ही आपको प्रतिबल प्रदान करेगी, ये मेरा विश्वास है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। सुंदरता, मनुष्य अपनी सुंदरता के विषय में कितना सोचता है, चाहता है कि वही सबसे अधिक रूपवान दिखे, सबसे अधिक सुंदर दिखे, किंतु सुंदरता की परिभाषा क्या है क्या वो जानता है?
किसी माता से पूछे, उसके लिए सुंदरता की परिभाषा उसकी संतान। भक्त से पूछे, उसके लिए सुंदरता की परिभाषा उसके भगवान। श्री राम से पूछिए, उनके लिए सुंदरता की परिभाषा हनुमान है। टूटी हुई हनु, फूला हुआ मुंह, कहने को वानर, लंबी पूछ, इतने भोले कि उन्हें अमूल्य मणियों की माला दी तो उसे तोड़ के उसमें श्री राम ढूंढ रहे हैं। किंतु भाव कितना सुंदर। उनका मानना ये कि भले इस संसार के सबसे अमूल्य मणियों से ये माला बनी हो, यदि इसमें श्री राम नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। सुंदरता रूप में नहीं, भाव में निहित होती है। यदि आप सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सुंदरता को कर्मों में लाएं, भाव में, विचारों में लाएं। ये सुंदरता आप ही के साथ है। और यदि आप सुंदरता को रूप में ढूंढते हैं तो वो कुछ ही क्षणों की बात है। वो सुंदरता समय के साथ पुनः लौट जाएगी। सुंदरता पानी ही है, ढूंढनी है तो हृदय में ढूंढिए, कर्मों में ढूंढिए। मन प्रसन्न होकर कहे राधे राधे। व्यायाम, ये शब्द हम सभी ने सुना और ये जीवन काल में हमारे साथ ही रहता है किसी न किसी रूप में। जब हम जन्म लेते हैं, चलना सीखते हैं, पहले घुटने पे चलते हैं, फिर चलने का प्रयास करते हैं, गिरते हैं, तब हमारे घर के बड़े हमें रोकते नहीं। उन्हें ज्ञात है कि संतान ऐसे ही चलना सीखेगी, ऐसे ही उसके पांव और शक्तिशाली होंगे जो उसके लिए आवश्यक है। अब जीवन काल में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, व्यायाम भिन्न भिन्न रूप में हमारे साथ रहता है। किंतु आप क्या आप समझते हैं कि इस व्यायाम का आधार क्या है? क्या आप समझते हैं कि इस व्यायाम का मर्म क्या है? जब भी हम व्यायाम करते हैं, हमारे शरीर की मांसपेशियां टूटती हैं। पहले टूटती है, फिर पुनः उसका निर्माण होता है और श्रेष्ठ और शक्तिशाली मांसपेशियां हमें मिलती हैं। अर्थात व्यायाम सृजन का विज्ञान है। अब ये ज्ञान हमारे लिए आवश्यक भी है, इसलिए जीवन में जब भी कुछ टूट जाए या कुछ छूट जाए तो निराश मत होइए, पुनः निर्माण करने का प्रयास कीजिए। और ये सीख आपको मिलेगी किसी पंछी से। जब वर्षा होती है, आंधी आती है, तो पंछी का घोंसला टूट जाता है, परंतु वो हार नहीं मानती। वो पुनः तिनका तिनका ढूंढती है, एकत्रित करती है और पुनः अपना घोंसला बनाती है, पुनः एक नए जीवन को जन्म देती है, एक नए परिवार को जन्म देती है। ऐसे ही जीवन में स्मरण रखिएगा, यदि आप निर्माण करना चाहते हैं, सृजन करना चाहते हैं, तो इस निर्माण के लिए टूटने का ज्ञान आवश्यक है, टूटी हुई वस्तु का सम्मान आवश्यक है। ये आचरण में लाइए, मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। गुरु जो मार्ग दिखाते हैं हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत आवश्यक। किंतु कुछ लोगों का मानना यह है कि गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सारा ज्ञान जो है वो मनुष्य के ही भीतर होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि सारा ज्ञान मनुष्य के भीतर ही है तो गुरु की क्या आवश्यकता है? और जो लोग आज तक गुरु को मानते आए हैं, क्या वो अनुचित है? अब इसका उत्तर मैं आपको दूंगा एक उदाहरण द्वारा। एक लकड़ी जो जलती है, जलने की ऊर्जा उसके भीतर होती है, किंतु उसे जलने के लिए एक बाहरी ज्वाला की आवश्यकता होती है। ये ज्वाला गुरु है। वो ताप जो लकड़ी को जलाता है, ताप है गुरु के प्रयास। यदि गुरु ही नहीं रहेंगे, उनके प्रयास ही नहीं रहेंगे, तो वो सारा ज्ञान जो मनुष्य के भीतर है वो व्यर्थ चला जाएगा। यदि आपके जीवन में आपके साथ गुरु हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके भीतर के ज्ञान को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसका सम्मान कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। हुई धूप में जब हमारा शरीर जलता है
हमें गर्मी का अनुभव होता है तभी, यदि वर्षा होती है और वर्षा की बूंदें आके हमारे शरीर पे गिरती हैं, तो कैसा अनुभव होता है कि वर्षा की बूंदें जब धरा पर गिरती है, जो नाद उत्पन्न होता है, लगता है जैसे संगीत है। एक ऐसा संगीत जो स्थिरता से हमें समझाता है कि ये सूरज की गर्मी, ये धूप, ये सदा के लिए नहीं बनी रहेगी। सूर्य की किरणों में कितना भी ताप क्यों ना, जब वर्षा आएगी तो इन किरणों को भी शीतल कर देगी। सूर्य का तेज कितना भी अधिक क्यों ना, कभी ना कभी काले मेघ आएंगे और सूर्य को ढक देंगे। अर्थात ये प्रकृति हमें सिखा रही है कि किसी का भी प्रकाश, किसी की भी मेधा सदैव नहीं बनी रहती। अब बात की जाए यदि अंधकार की, तो रात्रि के काले अंधकार को एक छोटा सा झुकनू काट देता है। अर्थात अंधकार भी सदैव के लिए बना नहीं रहता। ये हम समझ गए। अब आपसे केवल दो प्रश्न पूछता हूं। जब जीवन में कुछ भी सदैव के लिए आपके साथ नहीं रहने वाला, तो अभिमान किस बात का? और जीवन में यदि हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक विपदा एक समय के पश्चात आपको छोड़ के चले जाने वाले, तो हार क्यों मानी? इस चिंता को त्याग दीजिए, अभिमान को त्याग दीजिए, आसक्ति को त्याग दीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य में जब भी शक्ति आती है, वो स्वयं को बलवान समझता है। शक्ति आते ही उसमें अहंकार भी आ जाता है, अभिमान भी आ जाता है। कारण यह है कि वो एक सरल सी बात नहीं समझ पाता, ये सब जो है समय के कारण। समय से अधिक बलवान और कोई नहीं है। ये समय ही था जो रावण ने भक्ति से कैलाश को उठा ली। ये समय ही था जिस कारण से रावण का अंत हुआ, साथ ही राक्षस कुल का अंत हुआ, साथ ही लंका भस्म हो गई। देखा जाए तो जन्म से अंत तक का ये जो समय है, ये जीवन, किंतु इसमें भी जो समय आता है किसी कारण से आता है, जिसे हम जी सकते हैं, जिसे हम सीख सकते हैं। तो आज जो समय है आपके हाथ में है, उसे मुट्ठी में बांध लें, उसे सहेज के रखें, उसे संजोएं, उसका अनुभव करें, उससे सीखें। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए, और इतना जान लीजिए कि भविष्य में जो कुछ भी हो सकता है, जो होने वाला है, वो ना तो आप जानते हैं, ना वो आपके वश में है। इसलिए आज अहंकार और अभिमान करके भविष्य का अनर्थ मत कीजिए, स्वयं का अनर्थ मत कीजिए, यही समय का अर्थ है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, अत्यंत आवश्यक है हमारे जीवन में, किंतु योजना कितनी लंबी होनी चाहिए, अर्थात इस योजना के विषय में आपको कितना सोचना चाहिए और कितने आगे के विषय में सोचना चाहिए। अब दूरदर्शिता अत्यंत श्रेष्ठ गुण है मनुष्य में, किंतु दूर की देखने में इतना मत उलझ जाइए कि निकट क्या है ये आप देख ही ना पाए। आज की छोड़ के आप केवल भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं, ये अनुचित है। अब देखिए, योजना बनाइए किंतु उससे अधिक रही। इस क्षण का कुछ ज्ञात नहीं और आने वाले वर्षों के विषय में हम सोचते जाते हैं, मैं ये अनुभव करूंगा, ये आनंद प्राप्त करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये अनुचित है। योजित कीजिए, नियोजित कीजिए आज को, वर्तमान को, इस क्षण को। जीवन का वास्तविक आनंद भी यही है, जीवन जीने का सबसे अधिक श्रेष्ठ मार्ग भी यही। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। आपत्ति आपको त्रस्त करके रख सकती है, परंतु ये आपत्ति हर एक के जीवन में किसी कारण से होती है। ये आपको दिखाती है कि आपकी क्या कमियां हैं, क्यों है।
ये आपत्ति वो माध्यम है जिससे आप अपनी दुर्बलता को सबलता में बदल सकते हैं। किसी पुष्प को ही देखिए, एक पुष्प उसकी छाती में जब सुई छेद करके पार हो जाती है तभी तो हमारे प्रभु के लिए फूलों की माला बनती है। इसलिए कभी भी इस आपत्ति से भयभीत मत होइए, इसे दूर मत जाइए, इसका स्वागत कीजिए। समझिए ये आपत्ति क्यों है। आपत्ति को समझेंगे तभी जीवन को समझ पाएंगे, जीवन को समझ पाएंगे तभी आपत्ति को संपत्ति में बदल सकते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। पुरुषार्थ, शास्त्रों में चार पुरुषार्थ बताए गए। पहला है धर्म। तो आप जानते हैं कि ये धर्म क्या है। आपको क्या लगता है धर्म क्या है? क्या किसी विशेष ईश्वर को मानना धर्म है, या किसी विशेष रीति का पालन करना धर्म है, या किसी विशेष साहित्य को सर्वश्रेष्ठ मानना धर्म है? नहीं, धर्म वो है जिसे धारण किया जा सके, और धारण केवल उसे किया जाता है जो पवित्र हो। पवित्र उसे कहा जाता है जो निस्वार्थ हो, जिसमें शासन की कोई चाह ना हो, जो सहजता से बेहतर जल वायु की भांति। जब कोई व्यक्ति धर्म धारण करता है और वो धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है तो उसे धर्म कहते हैं। धर्म जो रक्षा करता है अहंकार से, बुरे विचारों से। इसलिए पुरुषार्थ बनने से पूर्व, धर्म का पालन करने से पूर्व, धर्म का उचित मर्म क्या है ये समझ लीजिए। जान लीजिए कि हर धर्म का आधार, हर धर्म का मूल केवल प्रेम है। आइए और इसी प्रेम के साथ कहें, राधे राधे। आलस्य आपका एक और बहुत बड़ा शत्रु, जो आपके मन में वास करता है और धीरे धीरे आपकी कार्य शैली का एक आधार ही बन जाता है। हर कार्य में देरी करना, यह है आलस्य जो सब कुछ नष्ट कर सकता है। ये कार्य आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। प्रकृति हमें यह नहीं सिखाती। सोचिए यदि सूर्य ये कहने लगे कि कल उदित नहीं होते, कुछ दिनों पश्चात उदित होते हैं, तो क्या होगा? समस्त पृथ्वी का नाश हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए इस आलस्य पे एक बहुत सुंदर कहावत, आलस्यस्य कुतो विद्या, अर्थात जो आलस करता है उसे विद्या नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। अब जिसके पास ज्ञान नहीं वो धन अर्जित नहीं कर पाता, उसके जीवन में सुख संसाधनों का अभाव होता है, मित्रों का अभाव होता है। जहां सुख संसाधन नहीं, मित्र नहीं, अपने लोग नहीं, ज्ञान नहीं, वह आनंद कैसे वास करेगा? इसलिए कहा जाता है जो कर्म करता है वही इस संसार का कोई भी सुख हो उसे भोग सकता है। तो कर्म कीजिए, समय का सम्मान कीजिए, इस आलस्य पे विजय प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। क्रोध आपके भीतर का एक और शत्रु। ये क्रोध क्या है? आपके मन की एक भावना है जो आप ही के मन में उत्पन्न होती है। ये मन आत्मा से जुड़ा होता है। अब एक भावना जो आत्मा से जुड़ी है इसे अनुचित क्यों कहा जाता है? समझने का प्रयास कीजिए। क्रोध कभी कभी आवश्यक भी होता है, विशेष रूप से तब जब आप एक उचित पक्ष में खड़े हैं, सामने वाला अधर्म के पक्ष में खड़ा है और वो विनम्रता से ना माने। जिसे श्री राम क्रोधित हुए थे सागर पर, वो उचित था और तब तक उचित है जब तक आप क्रोध को साध सके। यदि क्रोध आपको साधने लगा तो परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, सामने एक व्यक्ति है जिसे क्रोधवश आप हानि पहुंचाना चाहते हैं। आपने एक अंगारा उठाया, अभी अंगारा सामने वाले को हानि पहुंचाने से पूर्व
स्वयं आपके हाथ को जलाता है। बस क्रोध यही करता है, सर्वप्रथम आपका नाश करता है, आपका विवेक हर लेता है, आप अपना नियंत्रण खो देते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है। अधिकतर लोग क्रोध में ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हीं के विनाश का कारण बनते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी पीड़ा है, इतने संकट है कि क्रोध आ ही जाता है। ऐसे समय पर उचित यही है कि आप स्वयं को इस क्रोध से दूर करें और फिर समस्या का निवारण करें, क्योंकि यही निवारण आपके जीवन को एक श्रेष्ठ स्तर पर ले जाएगा। तो क्रोध से दूर रहें, प्रसन्न रहें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। का आपके भीतर का पहला शत्रु। अधिकतर लोग काम को वासना ही समझ बैठते हैं, किंतु ये संपूर्ण सत्य नहीं। काम का अर्थ है कामना। अब साधारण सी बात है, मनुष्य शरीर है, मन है, तो कामना तो अवश्य आएगी। देखना यह है कि ये कामना दुष्कामना है या सत्कामना। किसी और की वस्तु पर दृष्टि डालना, किसी और व्यक्ति पर दृष्टि डालना, किसी अनुचित वस्तु पर दृष्टि डालना, ये दुष्कामना है। और ये दुष्कामना व्यक्ति से दुष्कर्म करवा के ही रहती है। स्मरण रखिएगा, जो व्यक्ति अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रख पाता है वो उचित मार्ग पे भी रहता है, उचित लक्ष्य पे भी पहुंचता है। जो कामनाओं पर नियंत्रण रख नहीं पाता वो मार्ग भी भटक जाता है, लक्ष्य भी भटक जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखिए, काम इस शत्रु पर विजय प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। आज आरंभ करते हैं धन लक्ष्मी से, धन लक्ष्मी की कथा आज सुनते हैं। तो ये कथा है त्रेता युग की। साकेत नगरी में एक अत्यंत पराक्रमी राजा थे और ये राजा श्री राम के पूर्वज थे। इस पराक्रमी राजा का नाम त्रिशंकु था। हुआ कुछ ऐसा कि ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ, इन दोनों में युद्ध हुआ। अब ऋषि वशिष्ठ ने राजा त्रिशंकु से सहायता ली और इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। अब इस पराजय से अपमानित होकर ऋषि विश्वामित्र गहन तपस्या के लिए वन में चले गए। जब ये पूर्ण युद्ध हुआ और विजय प्राप्त हुई, तब राजा त्रिशंकु भेंट करने पहुंचे ऋषि वशिष्ठ के पास। अब मनुष्य के समीप कितना भी धन हो, कितना भी बल हो, कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, यदि उसमें लोभ आ जाए तो वो लोभ कभी नहीं रुकता जब तक वो स्वयं ना रोके। अब राजा त्रिशंकु ने लोभ में आके क्या किया, वो गए ऋषि वशिष्ठ के पुत्र के पास उनसे सहायता मांगे। अब ऋषि वशिष्ठ के पुत्र ने जो श्राप दिया वो भी समय के साथ सत्य सिद्ध हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा त्रिशंकु ने अपना बल खो दिया, अपना राज्य खो दिया, अपना सारा धन खो दिया, वृद्ध हो गए। सब कुछ खोने के पश्चात वो ऐसे ही वन में एक दिन भटक रहे थे कि उन्हें तपस्या करते हुए ऋषि विश्वामित्र दिखे। वो तुरंत ही उनके पास गए, उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए, उनसे विनती की कि कृपा करके ऋषि वशिष्ठ और उनके पुत्र के श्राप से उन्हें मुक्त किया जाए। अब ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ का नाम सुनते ही वो अपमानजनक पराजय उन्हें स्मरण आ गए और अब ऋषि विश्वामित्र को अपने प्रतिद्वंदी से प्रतिशोध लेने का अवसर मिल चुका था। और तब महादेव पहुंचे ऋषि विश्वामित्र के पास, उन्होंने उनसे बात की, उन्हें समझाया। अब जो लोभी होते हैं और स्वयं के लोभ को वो स्वयं नहीं रोकते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है जैसे राजा त्रिशंकु के साथ हुआ। न स्वर्ग में स्थान मिला और अपना स्थान तो उनसे छूट ही गए। कुछ ऐसा ही है, राजा त्रिशंकु का स्वर्ग अवश्य मिला, किंतु इसका क्या लाभ है, वो स्वर्ग में पहुंचे भी नहीं, वो बीच में ही अटके रहे, वो भी उल्टे। क्या ऐसा स्वर्ग कोई पाना भी चाहेगा। ये सब होता है लोभ के कारण।
जो मनुष्य लोभ करता है उसे इसी प्रकार कोई सुख प्राप्त नहीं होता। वरदान का दुरुपयोग किया जाए तो वो भी अभिशाप बन जाता है। ये स्वर्ग का सुख धन संपदा है ही नहीं, ये तो परम शांति है। मनुष्य जब ये देह त्याग देता है तो निश्चित रूप से कोई धन या सुख संसाधनों से उसे शांति नहीं मिलती। यदि आज के समय की बात की जाए, हर एक मनुष्य जो पृथ्वी पर है उसके लिए वास्तविक धन संपदा केवल उसका परिवार और प्रेम है। और जो भी व्यक्ति धन लक्ष्मी का ये उचित अर्थ समझ जाता है, निश्चित रूप से उसे उसके जीवन में उसके परिवार से प्रेम मिलता है, उसके प्रियजनों से प्रेम मिलता है, और कभी उसके जीवन में उसके घर में दरिद्रता वास नहीं करती।